नाउ स्टूडेंट सी द थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करें, y की वैल्यू निकालें, तो y इज इक्वल टू, y इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, 3x माइनस 3। अब इस y को हम सेकेंड में पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर देखिए 9x माइनस 3, अब y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 3x माइनस 3, ध्यान से देखिए इज इक्वल टू आ गया 9। मतलब मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बताऊँ, तो देखिए स्टूडेंट ये था हमारा y और यहाँ पर है ये y, इसकी जगह मैंने पुट किया इसको, तो क्या आ गया 3y की जगह 3 इंटू 3x माइनस 3। नाउ स्टूडेंट्स को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9x, 3 जा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट 9x कैंसिल और 9 इज इक्वल टू आ गया 9। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर x की वैल्यू जो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे y आएगा, वही सेकंड में भी आएगा, सेम सॉल्यूशन आएंगे। मतलब ये क्या है, एक जो ग्राफ इसका बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस, मेनी सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन से आएंगे वो इस पे आएंगे, सेम वैल्यूज आएंगी। हम चेक करके देखते हैं, देखिए लेट इसको हम वेरीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 0। तो मतलब x की वैल्यू y 1 लेने से y 0 आ गया। अब यही वैल्यू 1 और 0 हम सेकंड में पुट करके देखते हैं, तो 9 इंटू 1 एक्स की वैल्यू माइनस 3, y की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 इज इक्वल टू 9। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 9 इज इक्वल टू 9, मतलब वेरीफाई हो गया, जो हमने x एंड y की वैल्यू फर्स्ट से निकाली वही हमने सेकंड में रखा, तो LHS RHS वेरीफाई हो गया। इट मींस क्या हुआ, जो x एंड y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन हमको देगा वही सेकंड इक्वेशन भी हमको देगा यहाँ। तो इस केस में क्या है, ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो एक एक करके x और y हम निकाल नहीं सकते दोनों की हेल्प से, जो हम यहाँ ऑर्डर्ड पेयर फिट करेंगे वो यहाँ भी फिट होगा। और आप इसको a1 a2 से भी चेक कर सकते हैं, b1 b2 से, देखिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो मेनी सॉल्यूशंस के लिए रहता है। तो यहाँ आप चेक करें तो देखिए 3 अपॉन 9, तो 3 अपॉन 9 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 की जगह 3 अपॉन 9 एंड b1 अपॉन b2 की जगह 1 अपॉन 3 और यहाँ पर 3 अपॉन 9। इन सबको हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, देखिए 1/3। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मेनी सॉल्यूशंस।